राधे मेरी स्वामिनी अन राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री श्री वृंदावनवास राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नात है सो तेरो वाधीन सो तेरो वाधीन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव गाइए जनवल्लभ गिरिवर धारी जनवल्लभ गिरिवर धारी महागोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीरजन प्रिय प्रिय करो निर्मल
वत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा परो भुवि भुवो भारावहन तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गो पालको हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम हो हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हलो हलो गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ हो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट ये चय गोसाई करी चरण वंदा हो ये चय गोसाई करी चरण वंदा हाँ ये चय गोसाई करी चरण वंदा यहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरा जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरा हे चय गोसाइयार मुई तार दास बार पद रेणु मोर पंच ग्रास दास बार पद रेणु मोर पंच ग्रास कांदेर चरण से भक्त सने वा हो
चांदेर चरण से ही भक्त सनेवा जन्म जन्म होई यही अभिलाष जन्म जन्म होई यही अभिलाष गोसाई जब ब्रज कैलावा राधा कृष्ण नित्य लीला करी ल प्रकार राधा कृष्ण नित्य लीला करी ल प्रकार आनंद बोलो हरि भज वृंदावन हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री षड् गोस्वामी अष्टकम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमा पुमल्तो महान श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबर दरुण बिंब फल दरोष्टा पूरणेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधित्वां शरणं प्रपन्ना श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महियं ददाति स्वपदान्तिकम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शिष्य गोस्वामी गण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित। भगवत स्वरूप पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का, बाल गोपाल सहित आपके समस्त परिवार का, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। कुछ नया नया सा लग रहा है, जैसे आज हमने बोलना शुरू किया तो प्रथम शब्द में कुछ चेंजेस आया ना, कि भगवत स्वरूप पधारे हुए भक्त गण। कई दिनों से मेरे दिल का ये भाव आज शब्द के रूप में प्रस्तुत हो ही गया। वास्तव में जब हम कथा करते हैं तो हमारे मन में तनिक भी यह भाव नहीं होता कि हम जगत को सुधारने बैठे हैं, हम आपको बहुत बड़ा उपदेश और ज्ञान देने बैठे हैं, या हम आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तनिक भी ऐसा भाव नहीं होता। सच कहें तो हमारे दिल में यही भाव होता है कि स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान राम, श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी भक्त स्वरूप में आकर आप सब लोगों के रूप में मेरे सामने बैठे हैं और देख रहे हैं कि बंदा कैसा बोल रहा है, कहीं इसके मन में कोई गलत भाव तो नहीं है, कहीं इसके दिल में कोई उहापोह तो नहीं है। सो, वास्तव में भगवान ही भक्त का रूप लेकर भगवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं, ये मेरी अपनी स्वतंत्र श्रद्धा और आस्था है। अन्य वक्ताओं की नहीं कह सकता, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मेरे मन में यही भाव होता है कि भगवान ही भक्त का रूप लेकर भगवत कथा श्रवण करने आते हैं, और वे बाहर की बातें कम देखते हैं, अंदर का भाव अधिक देखते हैं, है? कि इसके कथा कहने पीछे का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, किस मूड में यह कार्य चल रहा है। सो कुल मिलाकर भगवत स्वरूप आप सबके चरणों में हमारा भूरी भूरी धन्यवाद और प्रणाम। बहुत सुंदर हृदय में उमंग है, आनंद है भगवत कथा में। हम षड गोस्वामी की कथा सुनेंगे। अब हमारे श्रोता जगत के लिए यह नाम पहली बार होगा, षड गोस्वामी, और प्राय ऐसी कथाएं बहुत कम होती है।
कथाएं कम होती हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं कि षड गोस्वामी तक पहुंचने के लिए कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण को समझो हैं? और कृष्ण को समझने में भी मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों सहस्त्रों मनुष्य में कोई एक विरला कृष्ण को समझने का प्रयास करता है। अब कृष्ण को समझने के लिए सत्संग करो, भागवत सुनो। भागवत श्रवण करके श्रीमती राधा रानी को समझो। राधा और कृष्ण को समझने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को समझो। श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट अवतार थोड़ी ना है, महाप्रभु भी प्रछन्न अवतार है, एक छिपा हुआ सीक्रेट अवतार है। और श्री चैतन्य महाप्रभु को समझने के बाद ये हमारे आचार्य ये सब षड गोस्वामी का नंबर लगता है, क्योंकि जब तक चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझेंगे, महाप्रभु के उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तो हम षड गोस्वामी और उनकी महिमा, उनके उद्देश्य, उनका भाव अनुभव कतह नहीं समझ पाएंगे। मेरा अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सब भक्त बड़े एडवांस डिवोटी हो और कई वर्षों से साधना भजन भक्ति करते आए हो, और एटलीस्ट मोटा मोटी हम ये तो नहीं कह सकते कि हम भगवान कृष्ण को घोल कर पी गए हैं, ऐसा तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटी तो ये ज्ञान हो ही चुका है कि कृष्ण सुप्रीम है, राधा और कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो इन सब ज्ञान को हम ग्रहण कर चुके हैं, इसका अर्थ यह है कि हमारी पात्रता हो चुकी है कि अब हम षड गोस्वामी के विषय में सुने। और भगवान की कृपा तो देखिए कि इतने सालों से हम सुनते आए हैं और ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे, आप ऐसा मत समझिए कि कथाएं चल रही हैं, कथाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन कथाओं का जो लेवल है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और मुझे कथा का लेवल बढ़ाने में कोई धर्म संकट नहीं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है होती है, लेकिन कृष्ण कृपा कुछ ऐसी रही कि हमारे कथा के आयोजक ही कुछ इस प्रकार से आयोजन करते हैं। अब देखिए, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मतलब प्री प्लान नहीं था, लेकिन हमारे मेहता परिवार और देवलुकिया परिवार से हमारी माताजी के हृदय में ये भाव आया कि हम रोज षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं, तो अब हमें षड गोस्वामी के विषय में सुनना है। सो हमारी चलती हुई कथा के प्रवाह में, इस कथा प्रवाह को वेग देने के लिए हमारा भाव, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारे रस को और आगे बढ़ाने के लिए एक और कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत षड गोस्वामी। वास्तव में सभी फील्ड में सभी लोगों के अपने अपने आइडल होते हैं, अपने हीरो होते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे कोई आइडल है, कोई हीरो है, तो ये षड गोस्वामी है। ये छह गोस्वामी जो वास्तव में हमारे आइडल हैं, आदर्श है। बहुत सारी बातें हैं षड गोस्वामी के विषय में, कुछ सात्विक तात्विक चर्चाएं करेंगे। हमारे पास छह दिन है और इन छह दिनों में हमें छह गोस्वामी के विषय में श्रवण करना है। सो सबसे पहले षड गोस्वामी का दर्शन हम करें है? ये जो छह गोस्वामी है, प्राय हम हमारे अल्टर में, हम हमारे मंदिर में यह फोटो रखते हैं, लेकिन यहां पर किसी को पूछा जाए कि भाई ये छह गोस्वामी हैं, इनमें से कौन गोस्वामी कौन से हैं
तो आधे लोगों को भी इनका उत्तर नहीं पता होगा। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी ये हो रहा था कि कहाँ से मैं प्रवेश करूं। तो यहीं से प्रवेश करना ठीक है। ये आज मैंने ही जब मंदिर में सुबह दर्शन कर रहा था तो मेरे मन में ही ख्याल आया, और आज विशेष कृपा ले रहा था कि भाई आपकी कथा करनी है तो आशीर्वाद दीजिए। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि ये प्रश्न भी बनता है कि भाई इनमें से रूप गोस्वामी कौन, इनमें से सनातन गोस्वामी कौन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो इनमें से कौन कौन से हैं। मुझे नहीं लगता है कि 100 में से 90 मतलब 10% भी आंसर दे पाएंगे। हमारे होस्ट को ही पूछा जाए अमित नारायण प्रभु को, तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। हम जब मंदिर में प्रणाम करते हैं विग्रह तो होते हैं, छवि तो होती है। सो आपके सामने ये जो पिक्चर है उनको हम यदि लेफ्ट से शुरू करें, लेफ्ट से, तो सबसे पहले लेफ्ट में है रूप गोस्वामी। लेफ्ट में प्रथम जो छवि है वो है रूप गोस्वामी, दूसरी उनके बगल में है सनातन गोस्वामी, और आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट से तीसरी छवि है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लेफ्ट से चौथी छवि है जीव गोस्वामी, लेफ्ट से पांचवी छवि है गोपाल भट्ट गोस्वामी, और लेफ्ट से छठी छवि है रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट में है रूप गोस्वामी और सबसे राइट में है रघुनाथ दास गोस्वामी, और फिर बीच बीच में जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर से एक बार कह दूं ताकि डबल कंफर्म हो जाए। तो ये जो छवि है आपके सामने षड गोस्वामी की, सो लेफ्ट में है रूप गोस्वामी, लेफ्ट नंबर वन, फिर लेफ्ट से सेकंड छवि है सनातन गोस्वामी, लेफ्ट से तीसरी छवि है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लेफ्ट से चौथी छवि है जीव गोस्वामी, लेफ्ट से पांचवी छवि है गोपाल भट्ट गोस्वामी, और लेफ्ट से छठी छवि है रघुनाथ दास गोस्वामी। सो इस प्रकार से ये हमारे 6 गोस्वामी हैं, और आज हम जो कुछ भी है इन 6 गोस्वामी की कृपा से है। इन 6 गोस्वामियों के विषय में कहा जाए तो मैंने पहले ही कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु को समझे बिना या श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार और उनके उद्देश्य को समझे बिना षड गोस्वामी को समझना बड़ा कठिन है। यदि प्रश्न हो श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर क्यों आए, तो मोटा मोटी देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के इस धरती पर प्रकट होने के दो मुख्य कारण, एक श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशोवान ये वह, श्रीमती राधा रानी का प्रेम, और कॉम्प्लिकेट न करूं सरल भाषा में करूं तो श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर आए प्रेम भक्ति का स्वयं आस्वादन करने के लिए, स्वयं प्रेम भक्ति को चखने के लिए, स्वयं प्रेम भक्ति करने के लिए। और इनका दूसरा कारण महाप्रभु के धरती पर आने का, वही प्रेमा भक्ति दुनिया के लोगों को सिखाने के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों को वो प्रेमा भक्ति देने के लिए, वो सिखाने के लिए। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्ति तो होती थी लेकिन सकल संसार करे मोर विधि भक्ति, ये पूरी दुनिया विधि भक्ति में लगी हुई थी या भय भक्ति में लगी हुई थी या स्वार्थ वाली भक्ति में लगी हुई थी कि भाई रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले, काम धंधे जाने से, आज भी कुछ लोग लगे हुए हैं कि दो दिया बत्ती करके जाएंगे, गिन कर दो अगरबत्ती निकालेंगे
एक दिया डालडा घी वाला निकालेंगे, भगवान को दिखाकर प्रभु आज हमारा बिजनेस हो जाए, धंधा हो जाए, करके निकलते हैं। यही चलता था, यही हो रहा था। या फिर इस भावना से लोग भक्ति करते थे कि यदि भक्ति नहीं करेंगे तो यमराज के दंडे पड़ेंगे, नरक में जाना पड़ेगा, भागो भागो नरक से बचने के लिए भक्ति करो। तो भय के कारण भक्ति करते थे या स्वार्थ के कारण भक्ति करते थे? कुछ लोगों का इस संसार के लिए स्वार्थ नहीं तो कर्म कांड को लेकर स्वर्ग आदि लोगों के लिए भक्ति करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सकल संसार करे मोर विधि भक्ति। ये दुनिया के लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उद्देश्य बराबर नहीं है। भक्ति का उद्देश्य, सर्वोच्च उद्देश्य एकमात्र भगवत प्रेम, या हमारे लिए कृष्ण प्रेम होना चाहिए। लेकिन दुनिया के लोग ये चूक रहे थे, ये भूल रहे थे। अब इस बात को सिखाने के लिए कि भाई प्रेम क्या होता है, प्रेम का आस्वादन क्या होता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर इस धरती पर प्रकट हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अकेले से काम नहीं बनेगा, अकेले धरती पर जाने से काम नहीं बनेगा, मुझे अपने साथ अपने पार्षदों को लेकर जाना होगा। तब गौलोक से अपनी नित्य लीला से राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उनके जो अन्य पार्षद ललिता सखी स्वरूप दामोदर के रूप में आई, विशाखा सखी राय रामानंद के रूप में आए, और भी जितने भी गौलोक धाम में थे सब लोग इस धरती पर अन्य अन्य आचार्यों के रूप में प्रकट होने लगे। और फिर ये राधा और कृष्ण की जो मुख्य सखियां थी ललिता विशाखा अष्ट सखी, और फिर उसके बाद वाली जो टीम इस धरती पर आने लगी, तो नित्य जगत में नित्य धाम में राधा और कृष्ण की एक सखी थी जिसका नाम है रूप मंजरी। श्री गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ने इस बात का जिक्र किया, श्लोक आपके सामने है। भगवान की नित्य लीला में एक सखी होती है, जैसे ललिता विशाखा को तो आप जानते हैं, वैसे एक सखी है रूप मंजरी। तो वे कहते हैं, श्री रूप मंजरी ख्याता यासित वृंदावने पुरा साध्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटतामियात भूत्वा प्रकटतामिया। श्री रूप मंजरी ख्याता आसित वृंदावने पुरा, पूरा माने द्वापर युग में इस भौम वृंदावन में या फिर नित्य जगत गौलोक वृंदावन में। सो यासित वृंदावन, वृंदावन में जो रहती है कौन रहती है? रूप मंजरी ख्याता, रूप नाम की एक मंजरी, रूप मंजरी जो रहती है स अध्य, वो अभी अभी कवि कर्णपुर के जमाने की बात, मतलब 500 वर्ष पहले की बात, ये ग्रंथ लिखा गया। तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि स अध्य वो जो रूप मंजरी है कृष्ण की नित्य लीला में, वो अध्य वो अभी इस कलयुग में रूप आख्य गोस्वामी, रूप गोस्वामी के रूप में भूतवा प्रकटतामियात इस धरती पर प्रकट हुई है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनेकों पार्षदों को धरती पर लेकर आए, उनमें से एक रूप मंजरी है जो रूप गोस्वामी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। और इस रूप गोस्वामी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, वैसे तो फेमस गोस्वामी तो ये छह हैं जिसे हम षड गोस्वामी कहते हैं, ठीक है।
परंतु इस षड गोस्वामी के पहले भी दो गोस्वामी है, भूगर्भ गोस्वामी, जिन्होंने भक्ति और वृंदावन धाम को खोजने की नींव डाली थी, लेकिन उनका नाम श्री चैतन्य चरितामृत में नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने सख्त मना की थी कि भाई आप बाकी सबका नाम रखो लेकिन हमारा नाम मत रखिए। एक्चुअली 8 गोस्वामी होने थे लेकिन दो गोस्वामियों ने अपना नाम सख्त रूप से मना कर दिया कि हमारा नाम नहीं होना चाहिए। तो वो दो गोस्वामी जो सीक्रेट है ना, वो हम बाद में कभी सुनेंगे। हम अभी 6 गोस्वामी का पाठ मांडा है तो ये 6 गोस्वामी का ही थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन दो को भूला नहीं जा सकता, अद्भुत दो गोस्वामी है। सो मैं ये कह रहा था कि रूप गोस्वामी ने बहुत बड़ा काम किया। उनमें से दो बड़े काम, महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने हेतु उन्होंने वृंदावन में राधा और कृष्ण की जो लीला स्थली थी उन लीला स्थलियों को प्रकट किया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार वृंदावन गए तब वृंदावन में कुछ नहीं था। 5000 वर्ष कृष्ण लीला करके चले गए और फिर वहां पर तो एक घोर वन ही बन गया, कुछ आदिवासी गण रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने केवल दो खड्डे में जल देखा, बोले ये राधा कुंड श्याम कुंड है। और महाप्रभु का बहुत कम समय तक वृंदावन रहना हुआ क्योंकि महाप्रभु ने अपनी माता जी को वचन दिया था कि मैं जगन्नाथपुरी रहूंगा। लेकिन महाप्रभु के मन में बड़ी भावना थी कि ब्रज प्रकट हो, ब्रज वृंदावन में लीला भूमि प्रकट हो कि कृष्ण ने कौन सी लीला कहाँ की है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाव था और महाप्रभु ने यह कार्य ये अपने पार्षदों के द्वारा करवाया और उनमें से प्रमुख हैं श्री रूप गोस्वामी। महाप्रभु की इच्छा से उन्होंने वृंदावन की, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ, कृष्ण को उखल से कहाँ बांधा गया, नंद बाबा का घर कहाँ था, ये बहुत बड़ा जॉब है जो महाप्रभु ने अपनी शक्ति संचारित करके रूप गोस्वामी को। तो एक तो ये बड़ा काम किया और दूसरा ग्रंथ लिखना। हाँ, बोले आने वाले कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए तुम ग्रंथ लिखो, क्योंकि सकल संसार करे मोर विधि भक्ति, सब विधि में पड़े हैं, कुछ भाव की बातें, कुछ रस की बातें, कुछ प्रेम की बातें, प्रेम कितने प्रकार का होता है, प्रेम में कितने भाव है, भक्ति के उच्च लेवल पर चढ़ने की सिस्टेमेटिकली स्टडी क्या है, इन ग्रंथों को लिखो। क्योंकि मोटा मोटी व्यास मुनि के द्वारा तो श्रीमद् भागवत, लेकिन उस भागवत को भी कस्टमाइज करने की आवश्यकता थी कलयुग युग के अनुसार। भागवत तो सभी युगों का ग्रंथ है, भागवत सतयुग में भी चलता है, त्रेता में, द्वापर, कलयुग सब में चलता है, लेकिन उस भागवत को स्पेशल इस एज के लिए, वर्तमान समय के लिए और उच्च प्रेम प्राप्त करने हेतु तुम ग्रंथ की रचना करो। इस प्रकार से महाप्रभु की आज्ञा थी और रूप सनातन ने यह कार्य संपन्न किया। वैसे 6 दिन में हम 6 गोस्वामियों की कथा सुनेंगे, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की जो कथा है ना, वो जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों की कथा हम जॉइंटली सुनेंगे। इसलिए आज और कल रूप और सनातन की कथा मिक्सिंग होगी क्योंकि कुछ हद तक वो दोनों साथ में कथा चलती है, और फिर एक एक गोस्वामी की कथा सुनेंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज मैं आपको दूं तो कभी भी आप सुनोगे तो क्या होता है कि रूप सनातन, रूप सनातन, हम कहते हैं कि रूप गोस्वामी का नाम पहले लेते हैं, सनातन गोस्वामी का नाम बाद में लेते हैं, लेकिन उम्र की दृष्टि से देखा जाए तो सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे और रूप गोस्वामी छोटे भाई थे। लेकिन आज भी शास्त्रों में, पुराणों में, यहां पर रूप गोस्वामी का नाम पहले लिया जाता है
सनातन गोस्वामी का नाम बाद में लिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों, ये सारी बातें हम आज की कथा में सुनेंगे। और ये कुल मिलाकर हमारे आइडल हैं। देखिए, भगवान की कथा सुनने में अच्छी लगती है, सुनने से पवित्रता आती है, लेकिन प्रेरणा नहीं मिलती। कृष्ण कथा सुनकर पवित्र होंगे, प्रेम बढ़ेगा, लेकिन प्रेरणा नहीं मिलेगी। अब कृष्ण से क्या प्रेरणा लोगे, 16108 विवाह किया तो हम भी आगे सोचें क्या प्रेरणा लेंगे। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, हम तो एक बोरी भी ठीक से नहीं उठा सकते। कृष्ण कथा से पवित्रता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, लेकिन जीवन में प्रेरणा भी चाहिए ना। आजकल मोटिवेशन का बहुत चला है, तो दुनिया वालों को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन हम भक्तों को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। यह प्रेरणा भरपूर रूप से हमारे षड गोस्वामियों से मिलेगी। षड गोस्वामी धन्य है। षड गोस्वामी के विषय में बहुत सुंदर भजन कहा गया, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहन्तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गो पालको। ब्रह्म मध्व गोड़िय धारा का आश्रय लेने वाले भक्तों को रोज डेली ये भजन गाना चाहिए। इस भजन में 8 श्लोक हैं, जिनमें हमारे 6 गोस्वामियों की महिमा, उनके जीवन का रूटीन, उनके उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उनका भाव अनुभव, ये सब संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, जिसे षड गोस्वामी अष्टकम कहते हैं। तो हम पैरेलली रोज षड गोस्वामी अष्टकम के एक दो श्लोक भी थोड़ा सा आस्वादन करेंगे। यहाँ सब कुछ होगा, सो आप लोग केवल समय निकाल कर आइए और जीवन धन्य कीजिए। मुझे सच कहूं, इसमें से एक शब्द बहुत अच्छा लगता है। तीसरी लाइन के प्रथम 2 शब्द है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं श्री चैतन्य कृपा भरो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा भर दी, मतलब जैसे अब आपने तो ये सब नहीं किया होगा, कभी हमारे गुजराती में गाडलू आवे ना, गाडलू आपने गद्दा बनाते हैं ना, कभी आपने पीलो या गद्दा रुई से भरा है, गांव में ऐसा रुई से भरते, ऐसे दबा दबा के, नहीं तो माताएं वो कांच के बरनी में अथाना नहीं भरती हैं दबा दबा के, हैं बिल्कुल कस के। तो श्री चैतन्य कृपा भरो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा भर दी है, जबरदस्त कृपा भर दी है। किन में? रूप सनातन इन 6 गोस्वामियों में। महाप्रभु के द्वारा कृपा भरी जिसमें गई हो, उनके बारे में क्या कहना। श्री चैतन्य कृपा भरो। बहुत सुंदर कहते हैं कि कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो। ये कौन थे? रूप सनातन, ये सब कृष्ण की नित्य लीला में गोपियां, सखियां, मंजरियां थी। लेकिन इन गोपियों ने, सखियों ने, मंजरियों ने धरती पर कृष्ण को प्रेम कैसे व्यक्त किया? कीर्तन करके। ये आजकल की तरह हमारे ब्रज में कुछ लोग पुरुष होकर गोपी बन जाते हैं, वो घांघरा पलटन जिसको हमारे गुरुजी कहते हैं, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं,
देखो ये परम चरम सीमा पर थे भक्ति के भाव और प्रेम के, लेकिन भक्ति की परम चरम सीमा पर पहुंच कर भी करते क्या थे, कृष्णोत्कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन करते थे, गान कृष्ण का कीर्तन गाते थे, नर्तन नृत्य करते थे, और नृत्य भी स्वाभाविक नृत्य हैं, कहते हैं मर्यादिक नृत्य करते थे। सो कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, ये वंदे शब्द जो ना सबके साथ लगेगा, वंदे रूप सनातन रघु युगो श्री जीव गोपाल को, ये छह गोस्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। कथम भूतम षड गोस्वामी, कैसे हैं छह गोस्वामी, तो बोले कृष्णोत्कीर्तन, जो कृष्ण का कीर्तन करते हैं उस छह गोस्वामी को नमस्कार करता हूं। गान जो जो कृष्ण के कीर्तन का गीत गाते हैं उनको नमस्कार करता हूं। नर्तन नृत्य करते हैं, और प्रेमामृताम अम्बुधि, और जो रात दिन निरंतर प्रेम अमृत की निधि, निधि माने समुद्र, प्रेम अमृत के सागर में निमज्जन रहते हैं, मग्न रहते हैं, मतलब रात दिन वो प्रेम में पड़े रहते हैं, मतलब स्वयं प्रेम स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात, इतने ऊंचे भक्त होकर भी धीर और अधीर, दो दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक होते हैं धीर, जीवन में कितनी भी उथल पाथल हो जाए बंदे के मन को कोई चिंता नहीं होती है, हमको ऐसा बनना है, राम को राज तिलक हो जाए तो भी कुछ नहीं, और राम को वनवास मिले प्रसन्नात्मया गता अभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंद नस्य में। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने कह दी कि जब जब अयोध्या का राजा बनने का समाचार सुना तो तनिक भी हर्ष नहीं हुआ, और जब अयोध्या से वनवास लेने का समाचार सुना तो तनिक भी दुख नहीं हुआ। सभी परिस्थितियों में मंद मंद मुस्कुराने वाले, प्रसन्न रहने वाले रामचंद्र के मुख को मैं देखकर उनके चरणों में निरंतर प्रणाम करता हूं। भगवद गीता का ओपनिंग करने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को पहला पॉइंट यही कहा, क्या कहा, धीरस तत्र न मुहियति। हे अर्जुन, जो धीर आदमी है, धीर व्यक्ति कभी मोहित, तेरी तरह मोहित नहीं होता। तू रो रहा है, मैं मेरे दादा को कैसे मारूंगा, फलाने को कैसे मारूंगा, चाचा मामा ताऊ, धीर आदमी इस प्रकार से मोहित नहीं होता। सो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है धीर, धीर माने जीवन में कैसी भी ऊंच, देखो जीवन है, मनुष्य जीवन, उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में लोग आपकी प्रशंसा भी उतनी करेंगे और गालियां भी उतनी देंगे। जब आपकी कोई प्रशंसा करे तो समझो पीछे कोई गाली देने वाला आ रहा है। हमारे वहां कहावत है, जिस दिन ये दुनिया ये समाज आपको हाथी की अंबाड़ी पर बिठाए समझ लेना, पीछे पीछे गधा आ रहा है। कोई, मैं तो अनुभव करता, कोई फूलों का हार पहना है ना, ऐसे ऐसे हार लेकर आते हैं, प्रभु जी आए हैं, ये समझ लो ये आज फूल का हार है, कल चप्पल का हार मिलने वाला है। अभी से माइंड प्रिपेयर कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आज फूलों का है, कल चप्पल का आएगा, क्योंकि ये संसार है भक्तों, ये दुनिया है, और दुनिया में सब कुछ बैलेंस होता है। आजकल बैलेंस डाइट बैलेंस का बड़ा, बैलेंस माइंड, बैलेंस डाइट का बड़ा जमाना है। तो ये मान और प्रतिष्ठा, सुख दुख भी बैलेंस में होती है। कुछ लोगों को अमेरिका में बहुत सम्मान मिलता है, भारत वाले भारत में गाली देते हैं। कुछ लोगों को यहां सम्मान मिलता है तो यहां गाली मिलती है, कुछ लोगों को यहां गाली मिलते हैं वहां सम्मान मिलता है। बैलेंस दुनिया में अवश्य होगा, तो चाहे सम्मान मिले चाहे गाली मिले, धीरस तत्र न मुह्यति, धीर आदमी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक बात याद आ रही है, एक बहुत बड़े संत थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, तो वो संत बड़े धीर गंभीर, जैसे जैसे अर्जुन ने गीता में कहा ना
कि स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा स्थमाधिस्तस्य केशव किम आसीत ब्रजेत किम। कृष्ण में ये जानना चाहता हूं, जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो साधु होता है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है। साधु की चाल भी बहुत अच्छी होती है, उनका चलना, उनका बोलना, उनकी प्रत्येक अदा बड़ी मतवाली होती है। और अर्जुन ने ये गीता में पूछा कि कृपया करके स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की चाल, उनकी बोली, उनका उनका बैठना कैसा, उनका सोना कैसा होता है, मुझे सब कुछ बताइए। ऐसा ही एक बहुत बड़े संत अपना भजन भक्ति कर रहे थे, और एक दिन वे कहीं भजन कीर्तन करने गए होंगे, वापस लौट रहे थे, उनकी कुटिया में आग लग गई, उनके आश्रम में आग लग गई। तो दो तीन लोग दौड़ कर आए और कहे कि प्रभु प्रभु आपके वहां आग लगी है। तो वो तो अपनी मस्ती से चल रहे थे, अरे बोले आग लग रही है जल्दी चलो, धीरे धीरे चल रहे थे। बहुत बोलने पर भी वो उसी प्रकार से चले, तब किसी ने कहा कि घर पर आग लगी है, आपको कुछ हो नहीं रहा है, आपको तेज नहीं चलना चाहिए। उस संत ने इतना ही कहा कि 60 साल से मैंने मेरी चाल नहीं बदली, 60 साल से मैंने मेरी चाल नहीं बदली, अब एक आग लग गई उसमें मैं मेरी चाल बदल दूंगा, अर्थात मैं मेरा आचरण बदल दूंगा, मैं मेरी धीरता छोड़ दूंगा, धीर गंभीर। सो षड गोस्वामी के विषय में कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृता अम्बुधिनी। प्रेम अमृत में निमज्जन रहते थे, स्वयं प्रेम अमृत के समुद्र स्वरूप थे। और मैं ये कह रहा था धीर और अधीर, एक होता है धीर जो कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति। देखो मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, आपको किससे मित्रता करनी है, तो यदि आपके मन में हो कि मुझे किससे फ्रेंडशिप करनी है, या फिर आपको किसका आश्रय लेना है, या किसका एसोसिएशन करना है, कोई महान का एसोसिएशन करोगे तो ही तो महान बनोगे ना, है ना। तो फिर महान कौन, यदि ये चेक करना है ना, तो केवल इतना ही देखो कि इसमें धीरता कितनी है। मतलब जीवन में सिचुएशन बदलने पर इसका मन कितना विचलित होता है, जिसका मन जल्दी विचलित होता है वो उतना ही हल्का आदमी है, वो उतना ही नीचा। अब नीच तो कह नहीं सकता, नीचा ठीक रहेगा, उतना नीचा है। छोटी छोटी बातों में क्रोध कर दे, छोटी छोटी बातों में आपे से बाहर आ जाए, ये कोई आदमी की मानता नहीं होती, ये उनकी वो बहुत नीचापन है। जो अधीर रहना, मन का उद्वेग रहना, कभी यहां कभी वहां मन का भागदौड़ करना, और छोटी छोटी बातों में किसी को बुरा लग जाना, कोई तो इतने होते हैं बुरा लग जाता है, सब अधीर है। ऐसे लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलने वाला, वो खुद डूबेंगे आपको भी डुबाएंगे। यदि आश्रय लेना है, संगति करनी है, तो धीर लोगों की संगति करो। मुझे तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, ऐसे लोग जब मैं बोलता हूं मेरे आंखों के सामने दिखाई देते हैं, धीर गंभीर, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के जीवन में कुछ भी हो जाए तो धीर, लेकिन अपने जीवन में कुछ हुआ तो अधीर बन जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चाहे अपने जीवन में या कैसी भी परिस्थिति आ जाए, संतोष ऐसों की संगति करें। तो यहां पर यह कहना चाहते हैं, धीर माने साधु संत महात्मा, और अधीर माने सांसारिक लोग। तो ये षड गोस्वामी रूप सनातन रघुनाथ दास भट्ट, ये जो है षड गोस्वामी, ये धीरो प्रियो, जो धीर साधु संत महात्मा थे उनके भी प्रिय थे और अधीर के भी प्रिय थे। ये बहुत बड़ी महिमा है। हमारा कहना हम डीओटी बन जाते हैं तो डीओटी लोग प्रभु जी करते हैं, बाकी के लोग गाली देते हैं, ये साला कुछ काम का नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा। तो धीर हमारी प्रशंसा करते हैं, अधीर लोग हमको चाहते नहीं है। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप थी, मतलब ये ऐसा जीवन जीते थे कि जो धीर थे वो भी प्रिय प्रेम करते थे, जो अधीर थे वो भी प्रेम करते थे। हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में सुनेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत राजा के बेटे थे, और उनके पिता ने कुछ गड़बड़ कर दी बिजनेस में,
राजा के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, मतलब कुछ गलत बिजनेस कर दिया कुछ, तो उसको दंड होना था रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता को और बहुत कुछ। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस प्रकार से टैकल किया कि उनके पिताजी को जो दंड मिलने वाला था उससे भी वे बच गए। जो अधीर थे उनको भी उन्होंने अपने अपनी बातों से मना लिया। सो धीर के भी प्रिय थे, अधीर के भी प्रिय थे। यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नारद मुनि का, है ना। नारद एक ऐसे चरित्र है जिसको देवता भी प्रेम करते हैं, डिवोटी भी प्रेम करते हैं, कंस, हिरण्यकश्यप, असुर भी उतना ही प्रेम करते हैं। और हम लोग उस नारद की परंपरा में, आखिर षड गोस्वामी कौन, नारद मुनि की परंपरा के। हमें भी हमारे जीवन में इन गुणों को धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए कि हम किसी को परेशान न करें, हमारे आचरण से कोई। अब ये शादी की सीजन आ रही है, ठीक है, अभी शादी की सीजन में भक्ति इतनी चढ़ेगी, इतनी भक्ति चढ़ेगी भक्तों को। शादी में जाएंगे कहेंगे जी आपने भोजन कर लिया, हम बाहर का नहीं खाते हैं। तू बाहर का नहीं खाता तो तू प्रचार क्यों कर रहा है, तू मत खा। लेकिन इतनी भक्ति चढ़ती है ना जब बंदा बाहर जाता है, घर पर तो कुछ भी खा लेता है, लेकिन जब बाहर एडवर्टाइजमेंट करने की जब बात आती है लोगों को बता हम बाहर का, या फिर शादी में जाकर क्या 10-15 लोगों को जमा करके भोग चढ़ाया, भगवान को भोग धरा। अब बेचारा शादी करने वाला कहाँ भोग धराने जाएगा, वो इतना सिंसियर सीरियस नहीं है। तुम वहां पर तुलसी पत्र खोजते हैं, इसमें तुलसी पत्र नहीं है, तो तेरे घर से खा के आ जा। देखो हमें किसी को भक्ति करनी है लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है। मैं तो उस सिद्धांत पर जीने वाला आदमी हूं कि नियम टूट जाए लेकिन सामने वाले का दिल नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि किसी का दिल तोड़ देना, किसी को हर्ट कर देना, ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसके हृदय में भी परमात्मा बैठा है। आप किसी की शादी में गए और शादी वाले बेचारे प्रेम से कहते हैं आपने भोजन किया, तो कह दो ना हाँ हमने खाया, बहुत अच्छा टेस्टी है, उसमें आपका कुछ हो नहीं जाएगा। या फिर उनमें जो फ्रूट्स पड़े हैं, जूस पड़े हैं, वो खा लो, या फिर ज़्यादा इतना ही आप बहुत, मतलब रूप गोस्वामी के बाद आपका ही नाम आता हो तो कह दो कि भाई आज मेरा शनिवार है, आज एकादशी है, बेचारे समझ जाएगा। भोग चढ़ाया, भोग लगाया है, मैं भोग लगा है तो खाऊंगा, तुलसी पत्र है तो खाऊंगा, तो फिर हम अभी बहुत दूर है। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। खैर, तो मैं ये कह रहा था धीर के भी प्रिय है, अधीर के भी प्रिय है। क्यों, वाई, तो आगे उसका उत्तर देते हैं, प्रिय करो, क्योंकि ये षड गोस्वामी सबके लिए प्रिय काम करते थे। प्रिय करो, करो माने करते थे, क्या प्रिय, ऐसा नहीं घर बैठ के सोते रहते थे। देखिए भक्ति करना मतलब निष्क्रिय हो जाना, कुछ नहीं करना, नहीं, ये करते बहुत थे लेकिन जो भी करते थे सबके लिए प्रिय होता था। प्रिय करो, तो धीर अधीर जन प्रिय, धीर और अधीर के भी प्रिय थे। क्यों, क्योंकि प्रिय काम करते थे, अच्छे काम करते थे। और निर्मत्सरो, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, वे स्वयं निर्मत्सर थे। निर्मत्सर माने किसी भी प्रकार की मत्सरता, माने ईर्ष्या नहीं थी इनमें। आज व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति करता है, भौतिक संसार में तो ईर्ष्या होती है, है? कि ये ज्यादा कमा लिया, ये अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, है? लेकिन कभी कभी भक्ति में भी ईर्ष्या जैसा कुछ होने लगता है कि ये भक्त आगे बढ़ गया, ये हो गया, लेकिन इनमें किसी प्रकार की मत्सरता नहीं थी। देखो ईर्ष्या भी अच्छी बात है, ईर्ष्या का मत्सरता को एग्जैक्टली समझाऊं तो ईर्ष्या का ऊपर का स्टेज है मत्सरता। ईर्ष्या में और मत्सरता में फर्क क्या है मुझे बताइए, आप लोग तो करते ही नहीं हो ना, आपको तो पता ही नहीं होगा, ये पहली बार सुनते होंगे, आपके जीवन में तो ये होता ही नहीं है, हम लोग करते हैं इसलिए हमको पता है। ईर्ष्या और मत्सरता में, ईर्ष्या का ऊपर का स्टेज है मत्सरता। ईर्ष्या माने किसी की प्रगति को देखकर जलना, दैट्स इट। कोई अच्छा पहन लिया, कोई अच्छा दिख गया, अच्छा खा लिया, अच्छा भक्ति प्रचार आदि कर लिया, और उनकी प्रगति को पर लाभ हानि इच्छा, श्रीधर स्वामी
दूसरों की प्रगति को देखकर जलना, दुखी होना, इसे कहते हैं ईर्ष्या। दैट्स इट, ईर्ष्या यहां समाप्त हो जाती है, भाई दूसरों को देखकर जलना। लेकिन दूसरों के प्रोग्रेस को देखकर जलना और जलकर फिर उसको गिराने का प्रयास करना, यह है मत्सरता, जो आप में है ही नहीं, आप तो बस पहुंचे हुए हैं। लेकिन ईर्ष्या करके फिर जिसे ईर्ष्या है उनको गिराने का प्रयास करना, उनकी धोती खींचना, उनको नीचे गिराना, यह है मत्सरता। मतलब एक्शन लेना, ईर्ष्या में एक्शन नहीं होती, केवल बंदा जलता है। लेकिन फिर उनकी निंदा करने लगना, दो पांच लोगों को उनके कान भरना, ये करना, उसे मत्सरता कहते हैं। लेकिन षड गोस्वामी कैसे थे, निर्मत्सरो, जिसमें लेश मात्र भी मत्सरता नहीं थी हैं? और पूजितो, पूजितो माने सबके द्वारा, सर्व लोग, पूरी दुनिया उनकी पूजा करती थी, सब लोग पूजते थे भक्तों। जो राजा होता है ना, राजा वो केवल अपने देश या अपने राज्य में ही पूजा जाता है, राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है। लेकिन ज्ञानी और भक्त पूरी वसुंधरा में पूजा जाता है, उनकी पूजा देवलोक में होती है। पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो, महाप्रभु ने जिसमें कूट कूट कर कृपा भर चुके थे, और भुवि भुवो भारा वहन तारको, इस भूमि पर, इस भूमंडल पर भूमि के भार के भार को वहन करने वाले हैं श्री षड गोस्वामी। ये रूप सनातन कौन है, इस भूमंडल के भार को वहन करने वाले, भूमि के भार को दूर करने वाले। भूमि का भार क्या है, भूमि पे सबसे बड़ा भार है पाप, और पाप तब तक दूर नहीं होगा जब तक लोग भक्ति नहीं करेंगे। तो षड गोस्वामियों ने भक्ति का विस्तार किया, और भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि के भार को दूर कर दिया। तो जो कृष्ण के कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण का गीत गाते हैं, जो कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं, जो प्रेम समुद्र के साक्षात स्वरूप है, जो धीर और अधीर के प्रिय है, जो लोगों के लिए प्रिय कर्म करते हैं, जो निर्मत्सर है, जो सबके द्वारा पूजित है, महाप्रभु ने जिसमें अपनी कृपा भरी है, और जो भक्ति का प्रचार प्रसार करके भूमंडल के भार को दूर करते हैं, ऐसे रूप सनातन रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट जीव और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामी को वंदे, मैं प्रणाम करता हूं। सो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, तो वंदे, वंदन करता हूं किसको, रूप, रूप माने रूप गोस्वामी। सेकंड नंबर पर है सनातन गोस्वामी, थर्ड नंबर पर है रघुयुगो, युग माने दो, ट्विंस, जोड़ा। तो रघु जो है ना वो दो है, मतलब एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इसलिए विस्तार न हो जाए, लंबा लंबा न हो जाए, इसलिए युगो कहकर दोनों को बता दिया। तो रघु युगो माने रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट, और फिर श्री जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। इस प्रकार से इन छह गोस्वामी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आइए प्रणाम करके अब हम रूप गोस्वामी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हम आगे कथा में सुनेंगे, और यदि प्रवाह में नहीं आया तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि इस श्लोक में सनातन गोस्वामी बड़े भाई है तो उनका नाम पहले होना चाहिए, रूप गोस्वामी का नाम बाद में होना चाहिए, परंतु रूप गोस्वामी का नाम पहले, सनातन का बाद में क्यों, ये कथा प्रवाह में आएगा नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। भरद्वाज गोत्र, गोत्र की पहचान तो आप सबको है ना, ब्रह्मा जी से अनेक ऋषि मुनियों का जन्म हुआ और फिर उनसे गोत्र प्रारंभ हुए। तो ब्राह्मण कुल में भरद्वाज गोत्र में विक्रम संवत 1546 सो विक्रम संवत 1546 में भरद्वाज गोत्र में सारस्वत ब्राह्मण परिवार, जिनके पिता का नाम था कुमारदेव
और माता का नाम था रेवती। सो कुमार देव और माता रेवती के तीन पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था अमर, दूसरे पुत्र का नाम था संतोष और तीसरे पुत्र का नाम था अनुपम। अमर, संतोष और अनुपम, ये तीनों तोड़ दे ऐसे बैठे हुए। एक को देखो दूसरा भूलो, दूसरे को देखो तीसरा भूलो। ये अनुपम जो है ना, ये अभी स्टोरी में बहुत कम आएंगे, लेकिन अनुपम को याद रखिएगा। ये अनुपम आगे बहुत बड़ा कमाल करने वाला है। ये आज हम जो टीके हैं भक्ति में, अनुपम और उनके पुत्र की कृपा से। लेकिन तीन बच्चे हुए भरद्वाज गोत्र में, सारस्वत ब्राह्मण कुल में। विक्रम संवत 1546 में कुमारदेव और रेवती माता के अमर, संतोष और अनुपम धीरे धीरे बड़े हुए। ये इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, मेधावी थे कि उन दिनों इनको सात भाषा का ज्ञान था, 7 लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज इनको आती थी, क्या ज्ञान था? बंगला भाषा, क्योंकि बंगाल में जन्म हुआ था, इसकी फर्स्ट लैंग्वेज बंगला थी, दूसरी हिंदी, तीसरी संस्कृत, चौथी अरबी, फारसी, उर्दू। ये सारी लैंग्वेज का ज्ञान इन तीनों बच्चों को था और बचपन से ही इन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली। अब देखो, क्योंकि भगवान के पार्षद है, वही राधा रानी की गोपिया सखिया मंजरिया रूप मंजरी ही यहाँ आई है रूप सनातन बनकर। तो अब क्या हुआ, ये अमर, संतोष और अनुपम ये सारी विद्या और शिक्षा प्राप्त करके दक्षिण भारत के रामकेली गांव में रहने लगे। गांव का नाम याद रखिएगा, रामकेली गांव। और इस रामकेली गांव में रहते हुए इनके हृदय में भक्ति का उफान आ गया। इतना भक्ति का उफान कि रामकेली गांव में रहते हुए इनके मन में भगवत स्मरण, भगवत चिंतन होने लगा। ये अमर और संतोष ने क्या किया, रामकेली गांव में रहते हुए उन्होंने प्राकृतिक माने राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, मतलब अपने रामकेली गांव बंगाल में ही, अपने गांव में ही उन्होंने ब्रज का निर्माण किया। वहीं पर अपने गांव में ही राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन बनाकर रोज उनकी परिक्रमा करते, क्योंकि चलकर वृंदावन जा नहीं सकते थे। और यहां पर वे रोज उनकी परिक्रमा करते, राधा कुंड, श्याम कुंड स्नान करते और भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत भजन में लगे रहते। अब ये अमर और संतोष दोनों बड़े हो चुके हैं, रामकेली गांव में रह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। अब उनको वहां रहने दीजिए। उस समय हमारे भारत में मुगलों का शासन था, मुसलमानों का राज था और उस समय बंगाल के राजा हुआ करते थे हुसैन शाह। उनके राज्य में पीरू नाम का एक मिस्त्री, ध्यान से सुनिएगा, एक मिस्त्री था जिसका नाम था पीरू। और पीरू ने महाराज हुसैन शाह के राज्य में एक बहुत सुंदर खंबा, स्तंभ बनाया। आप कभी वृंदावन रंगनाथ मंदिर में जाओगे ना, तो वहां एक स्तंभ है, मतलब मोटा सा स्तंभ। तो पीरू नाम के मिस्त्री ने राजा हुसैन शाह के राज्य में एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाया, उसमें कार्विंग और बहुत कुछ कारीगरी की। राजा को, और जब उसका ओपनिंग था तो राजा हुसैन शाह को बुलाया। राजा हुसैन शाह बहुत प्रसन्न हुए, वाह क्या स्तंभ बनाया है, क्या कार्विंग, क्या इसकी कारीगरी है। अब ये पीरू जो मिस्त्री था ना, वो थोड़ा सा हमारी तरह था। जब राजा ने उसकी थोड़ी सी प्रशंसा की तो पीरू ने के मुख से निकल गया, महाराज मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता हूं, ये तो कौन सी बड़ी चीज है, आप तो इसमें ही खुश हो गए, मैं तो इससे भी अच्छा खंबा बना सकता हूं। तब राजा का दिमाग बिगड़ा, बोले तू इससे भी अच्छा बना सकता है, मतलब तू इसे भी अच्छा फ्यूचर में बनाएगा, और मैं नहीं चाहता कि राजा हुसैन शाह से अच्छा स्तंभ किसी का बने।
मतलब तेरा सर कलम करना होगा। मंत्री आदि को बुलाया, कहा कि सजाए मौत, ये पीरू मिस्त्री जो है ना, इसको सजाए मौत दे दो, इसको मार दो। अब पीरू तो मृत्यु का समय, अब मृत्यु के समय पर पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। इसने कहा वह राजा तुम मुझे मारने ही वाले हो, एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा ये है कि ये जो स्तंभ है इसका नाम मेरे नाम से रख देना। उसको तो सजाए मौत दी गई और राजा हुसैन शाह के राज्य में जो स्तंभ था उस स्तंभ का नाम रख दिया पीरूसा स्तंभ। क्या नाम रखा? पीरूसा स्तंभ। अब ये पीरूसा स्तंभ महाराज हुसैन शाह कभी कभार वहां आते और उसका दर्शन करके उसको देखकर खुश होते। उसको खाना तो है नहीं, लेकिन बस वही लोग उसकी वाहवाही करते। कुछ दिन महीने साल बीते और एक दिन की बात, महाराज हुसैन शाह उनके मंत्री के साथ उस राज्य में विचरण करने निकले और महाराज हुसैन शाह के मंत्री का नाम था हिंगा। क्या नाम था? नाम था हिंगा। स्पेलिंग समझ रहे ना आप लोग? सब्जी समारते हैं, फिर उसको जब फ्राई करते हैं फिर उसमें वो नहीं डालते हैं हींग, तो ये हिंगा। तो ये हिंगा मंत्री का नाम था। तो महाराज हुसैन शाह अपने मंत्री हिंगा के साथ राज्य में विचरण करने निकले और विचरण करते करते उस स्तंभ के पास पहुंचे। अब राजा राजा होते हैं, राजा का दिमाग इतना बिगड़ा, राजा ने हिंगा को कहा कि अब भी और इसी समय अपने राज्य को छोड़कर चले जाओ। हिंगा ने कहा लेकिन महाराज मैंने किया क्या? बोले नहीं तुम मेरे सामने मत आना। बोले महाराज मेरा मेरा मेरी गलती तो बताओ। बोले तुम्हारी गलती है, तुम मेरे मेरे नजर से हट जाओ। अब मेरे सामने आए तो जैसे वो पीरू को मारा था वैसे मैं तुझे मार दूंगा। अब ये हिंगा नाम का मंत्री राजा के राज्य से बाहर, अब चिंता में राजा ने मुझे क्यों निकाला, राजा ने मुझे क्यों निकाला। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो बाजू में एक गांव है रामकेली गांव, और रामकेली गांव में दो बुद्धिमान लड़के रहते हैं अमर और संतोष, तुम उनको मिलोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हुसैन शाह का मंत्री हिंगा विचरण करते हुए आ गया रामकेली गांव में। उस रामकेली गांव में अमर संतोष से मिला, बोले महाराज हमारी चिंता दूर कर। बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले राजा ने निकाल दिया और बोले आ मेरे सामने आओगे तो मुझे मैं तुम्हें मार दूंगा। अमर संतोष ने कहा तुम क्या चिंता करते हो यार, तुम सीधे जाओ और वो जो पीरूसा स्तंभ है उसकी मरम्मत कराओ, उसको थोड़ा सा साफ सफाई कराओ, उसको चमका दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अब ये हिंगा वापस अपने राज्य में आया, पीरूसा स्तंभ को क्लीन करवाया, चमका दिया और राजा को बुलाया, कहा कि स्तंभ, और राजा प्रसन्न हुए। जिस हिंगा को मारने वाले थे मेरे चेहरे के सामने मत आना, उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। लेकिन पॉइंट यहां पर ये आया, राजा ने कहा कि मैंने तुझे जब यहां से निकाला तो मैंने तो तुझे बताया नहीं था कि तुझे मैं क्यों निकाल रहा हूं, तो मेरे मन की बात तुझको कैसे पता चल गई? मेरे मन में क्या चल रहा था तुझे कैसे पता चला? उस हिंगा मंत्री ने कहा महाराज मुझे तो, मैं तो चौथा माला खाली है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मैं घूमते घूमते रामकेली गांव में गया और वहां दो लड़के रहते हैं अमर और संतोष, उन्होंने मुझे कहा कि ये करो। तब राजा हुसैन शाह के दिमाग की खिड़की खुल गई कि बोले दो आदमी जो कभी मुझे मिले नहीं है, मेरे से इतना दूर रहते हैं और वहां बैठकर मेरे मन की बात को जान लेते हैं, यदि वो मेरे पास मेरा मंत्री बन जाए तो मेरे सारे काम इजी हो जाएंगे। होता है ना कोई ऑफिस का बॉस होता है उसे ऐसा मैनेजर चाहिए जो उनके मन को समझे, नहीं तो माथा दुखावा होता है, है? आप कितने भी लोगों को रखो निकालो वही वही मैनेजर या वही पर्सनल असिस्टेंट टिकता है जो अपने मालिक के मन की बात को जानता है और फिर उसे कंप्लीट करता है। और राजा ने सोचा कि ये दो आदमी तो मेरे काम के हैं, बोले जाओ और उन दोनों को यहां बुला लाओ।
अब दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण राम के लिए गांव में रहते थे और दोनों अमर और संतोष को बुलाया और बुलाकर राजा ने इन दोनों को ऑफर किया जॉब ऑफर। अब राजा को ऑफर करने की जरूरत नहीं थी, वो तो आदेश ही, क्योंकि वो तो सीधा सर उड़ाने वाला था। बोले तुम दोनों मेरे मंत्री बनोगे। हिंगा ने कहा बोले तू हिंग खा, तू अब तेरा काम नहीं है। बोले अमर और संतोष तुम दोनों मेरे आज से तुम मेरे मंत्री और मुंह मांगी कीमत। भक्तों ऐसा वर्णन है, मैं कल हिसाब मुझे दा था लेकिन मैं थोड़ा जोड़ नहीं पाया। एक कंट्री, जैसे भारत एक कंट्री है, अमेरिका एक कंट्री है, एक कंट्री की जितनी इनकम होती है पूरे देश की, उतनी इनकम केवल अकेले रूप और सनातन की थी। ये अमर और संतोष जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, पूरे देश की जितनी इनकम होती है उतनी इनकम इन अकेले बंदों की होती थी। हम जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं ना, वो लाचारे ब्रह्मचारी नहीं है। इस दुनिया में जिसके पास कुछ नहीं होता वो तो कह देंगे मैंने सब छोड़ दिया। तूने छोड़ा ही कि तेरे पास था ही क्या, तूने छोड़ा छोड़ा इसको कहा जाता है। पूरे देश के पास जितना धन है उतना धन इस एक आदमी के पास था, लेकिन उसे लात मारकर, जैसे आदमी वॉमिट करता है और फिर उस स्थान पर थोड़ी भी देर खड़ा नहीं रहता, उसी प्रकार छोड़कर ये निकल गए। उनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका आप सुनिए किस प्रकार से ये लोग हैं। तो ये तो ब्राह्मण थे, अमर और संतोष इनका नाम था, लेकिन मुसलमान राजा हुसैन शाह ने अपने मंत्री पद पर इन दोनों को रख लिया और उस दिन से इन दोनों के नाम बदल गए। जो अमर था उसका नाम रख दिया साकर मल्लिक और जो संतोष था उसका नाम रख दिया दब्बीर खास। अब यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, बड़े भाई का नाम था अमर और उसका नाम रखा साकर मल्लिक और वही आगे चलकर सनातन गोस्वामी हुए। अमर पहले नाम था अमर, फिर हुसैन शाह के वहां नाम हुआ साकर मल्लिक और फिर वही चैतन्य महाप्रभु जब मिलेंगे दीक्षा देंगे तब उसका नाम होगा सनातन गोस्वामी। और दूसरा भाई छोटे भाई था उसका नाम था संतोष, उसका नाम रखा गया दब्बीर खास और चैतन्य महाप्रभु उनको रूप गोस्वामी आगे चलकर नाम देंगे। उन दिनों जातिवाद बहुत होता हुआ करता था, किसी मुसलमान राजा के वहां नौकरी करने पर भी उसे मुस्लिम ही माना जाता था, इसलिए इन दोनों के नाम बदलने पड़े या लोगों ने बदल दिए और दब्बीर खास साकर मल्लिक होकर राजा हुसैन शाह के वहां मंत्री का पद, ऐसा इतिहास में वर्णन है। अब तो राजा को केवल मौजी करनी है, राजा खाता पीता सोता था, बाकी सारा काम ये दोनों भाई देख लेते थे। कहां दाव पेच करना है, कहां चढ़ाई करनी है, कैसे टैक्स लेना है, क्या करना है, राजा के मन की बात समझ लेते और सारा काम ये दोनों करवा देते और राजा को बड़ा आनंद था। लेकिन भक्तों जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति का बीज है वो आज नहीं तो कल भक्ति में अवश्य लगता है। यद्यपि ये राजा के वहां नौकरी करते, इसके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ बाप के संस्कार और गौलोक से आए हुए ये आचार्य हैं। भक्ति का बीज तो भक्त बीज पलटे नहीं, वो कभी पलटता नहीं है। और फिर ये कारोबार करते 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 दोनों भाइयों को वैराग्य होने लगा। और वैराग्य कैसे हुआ, देखो जीवन में भगवत भजन में आगे बढ़ने के लिए शुरू करने के लिए कोई ऐसी घटना काम कर जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उस घटना के कारण हमारे जीवन में वैराग्य हुआ, नहीं। नालियर आप फोड़ते हो ना, ये पहले फटके से तो हमसे तो कभी नहीं फूटा, आप में से कोई होगे बॉडी बिल्डर तो फोड़ देते होंगे, लेकिन एक बार दो बार तीन बार पांच बार सातवीं बार फूटता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सातवां फटका लगा इसलिए फूटा, वो आगे के छह फटके सपोर्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए और हमको वैराग्य आ जाए, उसका अर्थ यह नहीं कि ये एक घटना के कारण ही कोई निकल गया। जैसे महाराज परीक्षित, श्राप लगा इसलिए परीक्षित वहां गए, ऐसा जरूरी नहीं है।
आगे परीक्षित ने बहुत सेवा की थी, बहुत काम किया था, भक्ति साधना की थी, लेकिन श्राप एक अंतिम फटका, अंतिम माध्यम बन गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक उसी प्रकार ये तो भगत थे ही, पहले से ही भजन साधना करते थे, लेकिन इनके जीवन में वैराग्य का उफान आ गया। एक घटना ऐसी घट गई, घटना ये थी, दिवाली का समय था और पूरे साल का हिसाब जोड़ना था, पूरे साल का हिसाब, और कुछ लोग हिसाब जोड़ने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, हम तो इसमें बिल्कुल जीरो है, हिसाब किताब में बिल्कुल जीरो, कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन कुछ हमारे कुछ भक्तों को मैं देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये गुण है, दब्बीर खास साकर मलिक रूप सनातन अमर संतोष में ये गुण था। तो साल भर का हिसाब जोड़ने में चार आना समझते हैं, चार पैसे की कमी हो रही थी। अब चार आना कोई मायने नहीं रखता है, लाखों की इनकम के सामने चार आना के हम लोग तो जब जोड़ते हैं तो 4,000 4 लाख को भी ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है चलो कहीं ना कहीं होगा, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन चार आना के लिए ये दोनों परेशान, बोले नहीं राजा के सामने हमको एक आने के भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और रात भर हिसाब में लगे हुए थे। अब इनको अब रात को नाइट को देरी हो गई, तो इनका एक नौकर था, उन्होंने कहा कि साहब आपके लिए शरबत बनाऊं, बोले हाँ शरबत बनाओ। तो उनका नौकर शरबत बनाने गया और इनको पिलाया, ये दोनों ने पी लिया, और सुबह वो नौकर तो जाकर सो गया, सुबह उठकर जब किचन में गया तो देखा कि रात को जब मैं शरबत बना रहा था तो लाइट चली गई थी, और बिना लाइट को मैंने अंधेरे में शरबत बनाया तो उसमें शक्कर के बदले मैंने मैदे का आटा घोल कर डाल दिया, और मैंने मेरे दोनों मालिक को मैदे का आटा पिला दिया। अब नौकर के हृदय में चिंता, और वो क्षमा मांगने के लिए आया, तो वो यहाँ हिसाब ही चल रहा था, वो तो सोकर जग गया, उसका तो सब कार्यक्रम कंप्लीट हो गया, ये दोनों हिसाब ही कर रहे थे, वो चार आने के लिए, चार पैसे के लिए वो मगजमारी कर रहे थे। अब ये आकर इनके चरणों में गिरता है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन इन दोनों ने किया, लेकिन हुआ क्या है तो बताओ, बोले कल रात को आपने कहा शरबत पिलाओ, तो मैंने आपको जो शरबत पिलाया वो शरबत नहीं था, वो मैदे का आटा मैंने पानी में घोल कर दिया और आप दोनों पी गए। बस ये नारियल का अंतिम फटका था भक्तों, ये घटना ऐसी घट गई, इन दोनों के मन में हुआ, इन दोनों ने सोचा कि ये जो हम करने बैठे हैं इसमें न तो हमारा कोई स्वार्थ है न परमार्थ है, और ऐसे व्यर्थ कर्म में हम इतना मग्न हो गए हैं, इतना मग्न हो गए हैं कि हमारे नौकर ने हमको मैदे का आटा पिला दिया फिर भी हमको होश नहीं रहा। अरे इतना मन यदि ईश्वर में लगाया होता तो ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो गया होता, हम कहां फंसे हुए हैं। और वैराग्य की ज्वाला जग गई, हृदय बहुत दुख लाग, दोनों के हृदय में बहुत दुख हुआ, हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। ओ हो, ये हमने क्या कर दिया, अच्छे खासे भजन कर रहे थे, पैसों के चक्कर में राजा के वहां नौकरी, और जीवन का लंबा समय बीत गया। हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना, भय उन विषय विराग, और भवत बसत वा चौथपन, जीवन का चौथापन आ गया, भजन नहीं हो पाया। दोनों के हृदय में वैराग्य की ज्वाला जगी, दोनों के मन में भावना कि हम बस ये सब कुछ छोड़ देंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे। एक दिन की बात, और एक फटका देखिए। अब देखो ये अरेंजमेंट हो जाता है। एक दिन की बात, ये दोनों राजा के मंत्री थे, अब राजा तो खाते पीते सोते थे, तो राज्य में लोगों की मनोभावना मनोदशा जीवन कैसे चल रहा है, तो दोनों भाई वेश बदल कर रात को निकलते थे, जैसे राम जी निकलते थे और फिर सीता को वनवास दिया। तो एक दिन दब्बीर खास माने छोटे भाई रूप गोस्वामी वेश बदल कर अपने राज्य में चक्कर लगा रहे थे,
उनके चलने की आवाज आई तो जिस घर के बाजू से वो निकले वो पति पत्नी ने आपस में चर्चा की। पत्नी के पति कहते हैं, कहता है कि देखो ना कोई आया है, जरा देखो कौन आया है। पत्नी कहती है कि सो जाओ, इतनी रात को या तो कोई कुत्ता होगा, या तो राजा का गुलाम होगा, या फिर राजा का मंत्री होगा, और कौन होगा, सो जाओ। अब बस उस स्त्री का ये बोलना स्वाभाविक और इनके द्वारा सुनना। और रूप गोस्वामी वो जो छोटे थे दब्बीर खास और वैराग्य, वे तो फूट फूट के रोने लगे, सीधे गए अपने बड़े भाई के पास, उनके गोद में मस्तक डालकर रोने लगे, भैया मुझे एक बात बताओ कि मंत्री बनना और कुत्ता होना उसमें कोई अंतर नहीं है? मैंने अपने कानों से सुना, हमारे राज्य के लोग कहते हैं कि कौन होगा, या तो राजा का मंत्री होगा, या कोई कुत्ता होगा, या कोई गुलाम होगा। भैया मुझे ये बताओ कि मंत्री होना, कुत्ता होना, गुलाम होना सब एक है? बड़े भाई साकर मल्लिक सनातन गोस्वामी ने कहा कि रूप बात सही है, बाहरिक रूप से कुत्ता गुलाम और मंत्री तीनों अलग लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तीनों किसी ना किसी को आश्रित है। कुत्ता अपने मालिक को आश्रित है, मालिक कुछ देगा नहीं मिलेगा नहीं, गुलाम अपने राजा को आश्रित है, और मंत्री अपने स्वामी को आश्रित है। तब उनके मन में हुआ कि यही आश्रय साधारण लोगों का क्यों ले, भगवान कृष्ण का आश्रय क्यों ना करें। दुनिया वालों की गुलामी तो कुत्ते के बराबर होती है, हम कृष्ण की गुलामी क्यों ना करें। फिर आज्ञा भड़कने लगा भक्तों, दोनों के हृदय में पूर्ण वैराग्य। और राजा मुस्लिम वो कोई भक्ति भक्ति माने नहीं, उनको तो क्या लेना देना भक्ति से। जैसे आप लोग जॉब करते हो ना, और आपके मन में भावनाएं होती हैं वृंदावन जाए भजन करें, लेकिन क्या करें फंसे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा ये हमारे लिए प्रेरणादायक प्रसंग है, ये बड़ी प्रेरणा हमें ये दे रहा है ये प्रसंग। ठीक उसी प्रकार ये दोनों फंसे हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, दूसरी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं, महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, और संन्यास लेने के बाद महाप्रभु ने इच्छा की कि हम वृंदावन जाएंगे। प्रथम बार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकल रहे हैं। महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु के साथ अनेकों लोग हैं। थोड़ा चैतन्य चरितामृत आस्वादन किया जाए, थोड़ा सा श्लोकों के साथ। श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर इस प्रसंग का वर्णन है। गोसाई कुलिया हेते चलीला वृंदावने, संगे सहस्त्रेक लोग जत भक्त गणे। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक लोगों के साथ वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े, और जहां चैतन्य महाप्रभु जाते थे, क्या सुंदर कहते हैं, जहां जहां जाए तहां कोटि संख्या लोग। चैतन्य महाप्रभु जहां जाते थे वहां करोड़ों लोग एकत्रित हो जाते थे। देखी ते आई से देखी खंडे दुख शोक, और हजारों लाखों लोग आते श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर खंडे खंडित हो जाता दुख और शोक। महाप्रभु का दर्शन करके ही लोगों का शोक और दुख खत्म हो जाता। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु कहां जाने के लिए निकले हैं, आप पहली लाइन में देखिए, गोसाई कुलिया है ते चलीला वृंदावन है, वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु निकले हैं। अब महाप्रभु आगे बाकी के लोग पीछे। अब महाप्रभु ने वृंदावन जाने का जो मार्ग था उसे एग्जिट ले लिया। अब बंदा वृंदावन जाने के लिए निकला और उसे एग्जिट लेकर कोई छोटे गांव खेड़े में चला जाए तो प्रश्न तो होगा। तो चैतन्य महाप्रभु एग्जिट लेकर क्या किए, एछे चली आईला प्रभु राम केली ग्राम। वृंदावन का मार्ग छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु एग्जिट लेकर राम केली गांव में आए। प्रथमे मिलीला
गोड़े निकट ग्राम अति अनुपम। और वहां आकर श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली गांव में जैसे ही आए तो तहां नृत्य करे प्रभु प्रेम अचेतन, कोटि कोटि लोक आइल देखी ते चरण। जब वहां आए तो महाप्रभु ने रामकेली गांव में बहुत नृत्य किया, कीर्तन किया और कोटि कोटि लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए वहां पर पधारे। अब देखिए, अब वृंदावन जाने के लिए निकले, लोगों ने सोचा कि महाप्रभु रामकेली गांव में वाया रामकेली होकर जाने होंगे, लेकिन वहां रुक गए। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन। अब जो भीड़ थी उनके मन में भी समझ में नहीं आ रहा कि महाप्रभु यहां ये छोटे से गांव खेड़े में क्या कर रहे हैं, वो तो वृंदावन जाने के लिए निकले। दस दिन बीता, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कौन जानता था कि इतिहास बदलने जा रहा है, एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस रामकेली में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अब 10 दिन चैतन्य महाप्रभु रामकेली गांव में रुके, जा रहे थे वृंदावन, और यहां दबीर खास और साकर मलिक को किसी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु 10 दिन से रामकेली गांव में आए हैं, और इनके इन दोनों के हृदय में वैराग्य तो आ ही चुका था, वो तो खोज ही रहे थे कुछ हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु को रामकेली में आते हुए जब सुना तो क्लिक हो गया कि बस ये हमारा उद्धार करने आए हैं, बस अब आज अंतिम दिन है। ऐसा भी इतिहास कहता है कि ये दोनों वेश बदलकर जब निकलने लगे तो राजा को पता चल गया, राजा बीच में आए, राजा ने रोका, कहां जा रहे हो? बोले चैतन्य महाप्रभु को मिलने। कौन? वो भगवान है, कोई भगवान भगवान नहीं, भगवान कोई नहीं होता, केवल सिद्ध पुरुष हो सकता है। दोनों ने प्रयास किया लेकिन राजा कुछ समझा नहीं, छोड़ो राजा को। और 10वें दिन आधी रात को दोनों भाई कहते हैं अर्ध रात्रे दुई भाई आईला प्रभु स्थाने। अब देखो ये 10वां दिन था रामकेली गांव में। देखो यहां से बहुत सारी बातें सीखने मिलती हैं। कभी कभी ये मैं मेरी बात करता हूं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज अमेरिका में कथा करते, लंदन में करते, यहां वहां वहां, लेकिन हमने ये भी देखा कि वो छोटे छोटे गांव खेड़े में कथा करते। उन दिनों हमारे मन में ऐसा होता था कि भाई शहरों में हजारों लोग होते हैं, इतने लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको छोड़कर गुरुदेव ये गांव खेड़े में क्यों कथा करते हैं? ये मेरी छोटी बुद्धि के विचार मैं आपको बता रहा हूं। वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझ में नहीं आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज की राह छोड़कर छोटे से गांव में 10 दिन रुक गए, जहां कोई 1 घंटा भी नहीं रुकता। कुछ था, कुछ प्रयोजन था, और प्रयोजन ये था कि अर्ध रात्रे दुई भाई आइल प्रभु स्थाने, प्रथम मिलीला नित्यानंद हरिदास सने। ये दोनों भाई वेश क्या वेश पहना है? बिल्कुल धोती पहनी है और सर में गमछा डाला है, और एक हाथ में मुख में तीर्ण है, दंते तीर्ण धरी, और किसान का जो वो हल होता है वो हल लेकर आए। और सबसे पहले नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिले ये दोनों दबीर खास साकर मल। तहां दुई जन जान लाई प्रभु गोचरे, और ये दोनों दौड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास गए। अब इनको लाइट हो गई है, क्या महाप्रभु यहां क्यों रुके? महाप्रभु 10 दिन से जिनके लिए रुके हो आप, वो दोनों आ गए हैं। रूप साकर मल्लिक आइला तोमा देखी वारे। दबीर खास और साकर मल्लिक आपको देखने के लिए, महाप्रभु आपको मिलने के लिए आए। कहते हैं कि दुई गुच्छ तृण दोहे दशन धरिया, गले वस्त्र बांधी दंडवत हैया। दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया और दैन्य रोदन करे, और दोनों रोने लगे, विह्वल हो गए। महाप्रभु के चरणों में गिरकर दोनों रोने लगे। कौन थे? राजा के मंत्री, बड़े बड़े युद्ध करने वाले, धन की कोई कमी नहीं, पर तो ये है गौड़ीय धारा। दैन्य
रोदन करे आनंदे विह्वल, रोते हुए महाप्रभु के चरण, और महाप्रभु प्रभु कहे उठ उठ हैल मंगा, अरे उठो उठो रो मत, और दोनों स्तुति करने लगे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन, जय जय महाशय। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तोमार अग्रेते प्रभु कहिते वासी लाज। पतित पावन है तू तव अवतार, आमी बही जगते पतित नाहिया। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय। हे कृष्ण चैतन्य, हे महाप्रभु, आपकी जय जयकार हो, आप बड़े दयामय हो। पतित पावन जय जय महाशय, आप पतित पावन हो। और हम लोग नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, जैसे ब्राह्मण थे लेकिन अपने आप को नीच कह रहे हैं, यही तो महानता, यही गौड़ीय धारा है। कितनी भाषा आती है, ब्राह्मण है धन है, लेकिन क्या कहते हैं, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तोमार अग्रेते प्रभु कहिते वासी लाज। हमको तो आपके आगे खड़े रहने में लाज आती है प्रभु, हमें आपके आगे खड़े रहने में लज्जा आती है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधी न कश्चन, प्रभु हमारे जैसा पापी कोई नहीं, हमारे जैसा अपराधी आपको कहीं नहीं मिलेगा। परिहारे पि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, प्रभु आपके सामने खड़े रहने में हमें लज्जा आती है हे पुरुषोत्तम। रोते हुए कहते हैं, पतित पावन हेतु तोमार अवतार, हे महाप्रभु आपका तो अवतार ही पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है, और हम दोनों को छोड़कर हमें नहीं लगता है कि और कोई पतित होगा। यदि आप पतितों को ही खोज रहे हो, पतितों को ही पावन करना है, तो हम दोनों से बड़ा पतित कोई नहीं है प्रभु। क्यों? क्योंकि म्लेच्छ जाति म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म, हमारी म्लेच्छ जाति हो दबी रखा साकर मलिक हम बन चुके हैं, म्लेच्छों की सेवा करते हैं, म्लेच्छ कर्म करते हैं। गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम, ये राजा हुसैन शाह गाय और ब्राह्मणों से द्रोह करता है और हमारी उसी के साथ संगति है। अमेरिका वालों यूके वालों गैस स्टेशन स्पेशली गैस स्टेशन वालों, ये आप लोगों के लिए आ रहा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म वशात कभी कभी कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, यहां इन लोगों के ऐसे ही कर्म है। गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम, गाय से ब्राह्मणों से जीव हिंसा पशु हिंसा से हमारा संगम है। मोर कर्म मोर हाथे लगाए बांधिया, कुविषय विष्ठा गर्ते बिछाए फैलाइया, हम लोग विषय की विष्ठा में फंसे हुए हैं, प्रभु कृपया करके आप हमारा उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार से दोनों महाप्रभु के चरणों में कहने लगे, और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। सत्य एक बात कहो शून दयामयी, हे दयामयी एक बात हमको सत्य कहो, मो बिनु दयार पात्रे जाने ने ना है, हमारे बिना दया करने का पात्र क्या और कोई तुमको दिखाई दे रहा है?
तो कृपया करके आप हम पर दया कीजिए, कृपया करके आप हम पर कृपा कीजिए। अब इस प्रकार से जब ये दोनों अपनी दैन्यता विनम्रता प्रकट करने लगे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात कर, देखो दीक्षा हो रही है, दीक्षा लेटर, रूप सनातन का दीक्षा लेटर आपके सामने है। श्री चैतन्य महाप्रभु अब दोनों को दीक्षा दे रहे हैं। सुना प्रभु कहे सुना, रूप द बिरखास तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास। आजी है ते दोहार नाम रूप सनातन, आज है ते दोहार नाम रूप सनातन, क्योंकि देन्य छाड़ तो मार देन्य फाटे मोर मन, देन्य छाड़ तो मार देन्य फाटे मोर मन। आज से तुम दब्बीर खास और साकर मल्लिक नहीं, आज से तुम रूप और सनातन हो। क्यों? क्योंकि इतनी दीनता, इतनी नम्रता, अरे तुम्हारी ये नम्रता देखकर, तुम्हारी दीनता देखकर मेरा मन फटा जा रहा है। इसलिए आज मैं तुम दोनों पर कृपा करता हूं, तुम रूप और तुम सनातन। बड़े भाई का नाम दिया सनातन गोस्वामी और छोटे भाई का नाम दिया रूप गोस्वामी। दोनों रो रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, हमें कोई धन नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, महाप्रभु हम आपके साथ वृंदावन चलेंगे, हमें आपके साथ चलना है, इतने सारे लोग आपके साथ हैं, हम दो आपके साथ आएंगे क्या फर्क पड़ेगा। अब महाप्रभु तो इसीलिए आए थे ना, आप इस पर सोचिए, महाप्रभु तो आए ही थे ना कि इन दोनों को ब्रज भेजे ब्रज से। लेकिन महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर बात कही कि हे रूप, ध्यान से सुनिएगा हम लोगों के लिए, हे रूप हे सनातन, वृक्ष से फल को तोड़ना और खाना अलग चीज है, और वृक्ष से अपने आप फल टूट जाना ये अलग चीज है। समझ में आ रहा है? कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ से आप स्वयं फल को तोड़कर खाओगे तो वो खट्टा निकलेगा, लेकिन जो अपने आप फल गिरता है वो पका हुआ होता है, मीठा होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने बल से हमारे जॉब, काम, बिजनेस, घर बार को छोड़ना चाहेंगे तो वो खट्टा निकलेगा, वो कच्चा रह जाएगा, लेकिन भजन करते करते अपने आप छूट जाए तो समझो हम पक्के हो चुके हैं। अपने आप फल गिर जाना तो वो फल पक्का पक्का होता है, लेकिन अपने मेहनत से, अपने उद्देश्य से, अपने दिमाग से सब कुछ छोड़ छाड़ देना तो ये कच्चापन है, इसमें इसमें भजन में सिद्धि हासिल नहीं होगी। रूप और सनातन को महाप्रभु ने रोक दिया, नहीं नहीं आप अभी नहीं, आपका समय आएगा, अभी तुम काम करो, राज कारोबार करो, तुम्हारे कर्म में जो कार्य लिखा है तुम ये करो, जब तुम्हारे जीवन में ये सब स्वाभाविक छूटेगा, अपने आप छूटेगा। छोड़ना अलग चीज है और छूट जाना, मैं बारंबार इस सिद्धांत को हमारे भक्तों को समझा रहा हूं, क्योंकि भागवत भाव का विषय है ना, इसलिए भागवत सुनते ना तो भाव हो जाता है कि सब कुछ छोड़ दे, छोड़ छाड़ कर चले जाए। मेरे ये सब भक्त इतने भावना में होते हैं कि जब मिलते हैं तब मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि भक्ति कैसे चल रही है, मेरा पहला प्रश्न ये होता है कामकाज कैसे चल रहा है, क्योंकि इतना तो हमें विश्वास होता ही है ना कि भागवत सुनकर भजन भक्ति तो बहुत अच्छे से कर ही लेते होंगे, लेकिन अपना कामकाज, क्योंकि जब तक हम परिपक्व नहीं होते तब तक छोड़ना
बहुत बड़ा खतरा है, रूप और सनातन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत बताया, महाप्रभु ने यह श्लोक कहा। अब महाप्रभु ने यह श्लोक कहां से निकाला यह महाप्रभु ही जानते हैं, लेकिन यह महाप्रभु पर छोड़ देते हैं, हमें क्या मतलब, महाप्रभु का है, आप इतना समझिए ना। कभी कभी कोई गुरुजन कोई श्लोक बोलते हैं तो कौन प्रमाण में जाए, भाई गुरुजी ने कहा है, बात खत्म। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो रूप सनातन, अभी तुम्हें कैसे रहना है, पर व्यसननी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु। जैसे कोई स्त्री हो और उसका मन किसी पर पुरुष पर आ जाए तो गृह कर्मसु, वो अपने गृह का काम इतना अच्छी तरीके से करती है कि किसी को भी पता न चले कि इसके हृदय में क्या भाव है, क्या प्रेम है। तुम दोनों अपने अपने स्थान पर जाओ, अपने घर का काम करो, अपनी जॉब करो, और इतना अच्छे से करो किसी को बाहर से पता न चले। और अंदर से फल को पकाओ, भक्ति रूपी प्रेम और फल को अंदर से पकाओ। और जब ये अंदर से पकेगा, जब आम पकते टक करके गिर जाती है, तो जब ये पकेगा तो अपने आप सब हो जाएगा, चिंता मत करो। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और फिर महाप्रभु कहते हैं, जन्मे जन्मे तुमी दुई किंकर आमार। तुम दोनों क्यों चिंता कर, जन्म जन्मांतर तुम दोनों मेरे किंकर हो, अची राते कृष्ण तुम्हार करीव उद्धार। निश्चित कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। एत बली दुहार शीरे धरे दुई स्थाने। इन दोनों ने कहा कि महाप्रभु आपको छोड़ने का तो मन हो ही नहीं रहा है, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य, लेकिन बस एक कृपा और कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा बोलो क्या। बोले आपके ये चरण हमारे मस्तक पर रख दीजिए। ये दोनों महाप्रभु के चरणों में गिरे और महाप्रभु ने अपने दोनों मस्तक दब्बीर खास आकर रूप सनातन के ऊपर पधराए। और सभे दुई भाई प्रभु दल निज निज माथे। और फिर अंत में कहते हैं, दोहा आलिंगिया प्रभु बलिल भक्ते, सभे कृपा करी उद्धार है दुई जने। महाप्रभु ने अपने दोनों चरण रूप सनातन के मस्तक पर रखे और जितने भी भक्त महाप्रभु के साथ थे उन भक्तों को कहा कि इन दोनों को आशीर्वाद दो कि ये दोनों भक्ति में आगे बढ़े और बहुत जल्द इनके हृदय में वैराग्य परिपक्व हो और वृंदावन का मार्ग पकड़े। यहां पर भी और एक सिद्धांत है कि देखो ब्रज यदि जाना है ना, ब्रज में सब कुछ, तो वाइंड अप करने में मेहनत मत करो। ऑफिस छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसमें मेहनत मत करो। मेहनत साधु संतों का आशीर्वाद लेने में करो, गुरु जी के चरणों में गिरने में करो। वहां से यदि स्ट्रांग होगा तो बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि छोड़ने में क्या है, आम को पकने में देरी लगती है, उगने में देरी, गिरने में टक करके गिर जाएगी, छोड़ने में क्या है, लेकिन वो परिपक्वता चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिखाई और सिखा। आगे भी बहुत विस्तार से ये सब आएगा कि देखो मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए, वैराग्य अंदर से होना चाहिए। और अंदर से वैराग्य को दृढ़ करो और जब अंदर से दृढ़ हो जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने दोनों को अपने अपने घर पर भेज दिया और दोनों अपने घर पर चले गए। लेकिन अब आप ही सोचिए, महाप्रभु की कोई कथा सुन लेते हैं तो घर पे मन नहीं लगता और ये दोनों भाई महाप्रभु को मिलकर आए हैं, घर पे और काम काज में क्या मन लगेगा, मन नहीं लगता था। रोज गिनती गिनते थे कब हम निकलेंगे कब निकलेंगे। और रूप छोटे भाई जो थे वो तो रोज रोते रहते थे, बड़े भाई से कहते थे अब मुझे विरह सहन नहीं होता। और एक दिन, अब देखो रूप को बड़ा भाई और सनातन को छोटा भाई इसलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि एक दिन रूप गोस्वामी अपना सारा सब कुछ मंत्री आदि पद छोड़ छाड़ कर अपने छोटे भाई अनुपम को साथ में लेकर निकल गए। और जब निकले तो उनके पास संपत्ति, जैसे मैंने कहा बहुत संपत्ति थी। तो निकलते देखो ये भी एक जिम्मेवारी बनती है
कि जब भी हम ब्रज का मार्ग पकड़े तो संपत्ति का बंटवारा कैसे हो। इतिहास साक्षी है कि रूप गोस्वामी ने 50% संपत्ति ब्राह्मण वैष्णव भक्तों को दान कर दी, 25% संपत्ति अपने कुटुंबी जन को दे दी, फैमिली समाज को, और 25% संपत्ति सनातन गोस्वामी के लिए किसी एक आदमी के पास रख दी कि भाई फ्यूचर में उनको काम आएगा, और सनातन गोस्वामी को लेटर लिख दिया कि भाई हमने ये इनके पास रखा है। और रूप गोस्वामी अनुपम को लेकर निकल पड़े वृंदावन। अब उनको तो यही था कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए हैं, तो ये रूप गोस्वामी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन गए अनुपम के साथ। जब वृंदावन गए तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन छोड़ दिए थे, महाप्रभु वृंदावन से निकल गए, तो वृंदावन जाकर भी और एक सिद्धांत, जब ये वृंदावन गए तो भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इसको वृंदावन नहीं, इसको महाप्रभु चाहिए। हम और आपको वृंदावन चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, इनको गुरु चाहिए, वृंदावन नहीं चाहिए। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर हमें जीना है। हमारा क्या है ना, एक बार हमको भागवत आ गया, महामंत्र आ गया, दीक्षा हो गई, गुरु साइड में, अब हम ही सब कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यूं तो रूप गोस्वामी सब कुछ छोड़कर वृंदावन गए, लेकिन वहां महाप्रभु नहीं थे तो वृंदावन क्या काम का है, मेरे महाप्रभु नहीं है तो। वृंदावन में कुछ दो पांच दिन रुके होंगे और फिर वहां से निकले, तो उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और अभी वो प्रयाग में है। तो रूप गोस्वामी प्रयाग में पहुंचे हैं, तो अब जाने देते हैं रूप गोस्वामी को प्रयाग। कल प्रयाग में रूप और चैतन्य महाप्रभु का मिलन होगा, दोनों के बीच में संवाद होगा, रूप गोस्वामी की शेष कथा हम सुनेंगे, और फिर सनातन गोस्वामी भी अब निकलू हो रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी की बहुत सुंदर कथा है। तो ये जो कथाएं हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, इसलिए ये सब प्रसंग प्रेरणादायक है। इसे ध्यान से सुनिए, स्मरण कीजिए और जीवन को। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कृष्ण कथा तो हम गा लेते हैं, लेकिन इन आचार्यों की कथाओं को गाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सब बहुत ऊंचे भाव में हुआ करते हैं, और योग्यता भी कभी कभी सोचते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर लोभ होता है कि आज नहीं तो कब। और फिर मैंने पहले ही कहा, भगवत स्वरूप हमारे भक्तों के द्वारा आज्ञा हुई है, तो भगवान की ही आज्ञा समझकर हम ये विनम्र प्रयास कर रहे हैं। कहने में, बोलने में, सुनने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, भाव को ग्रहण कीजिएगा और जीवन को धन्य कीजिए। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से, बड़े भाव से कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप लोग सब रेस्टोरेंट में जाते हैं, हैं? फिर रेस्टोरेंट में कोई रिपीट ऑर्डर करते हैं, कोई ऑर्डर ऐसा रिपीट कि भाई ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, जरा दूसरा रिपीट है। तो रेस्टोरेंट में ऑर्डर रिपीट कब होता है, जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो ये रिपीट ऑर्डर है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए, जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री षड गोस्वामी गण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।